हेलो एवरीवन. ये मैं सोची थी पहले स्टोरी में कुछ डाल दूंगी, बट मुझे लगा वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू एवरीवन जिस किसने भी मुझ पे भरोसा करके इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी हमें ज़कात भेजने की भेजी है. और उनकी वजह से इतने लोगों की यहाँ पे मदद हो रही है, जैसे कि आप देखते हो कि मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे डालते रहती हूँ. बहुत सारे लोग ये पूछते भी है कि अरे आप ये डाल रहे हो और इंस्टा स्टोरी पे डाल रहे हो. तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये पैसे बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन सबको बताऊँ, क्योंकि मैं हर रोज़ उनको स्टोरीज तो नहीं भेज सकती, बट मैं उनको ये बता पाऊँ कि आपका पैसा इस तरीके से यूज़ हो रहा है. एंड फिलहाल कंसिडरिंग लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और सिचुएशन यहाँ की बहुत ख़राब है, हर जगह की, पूरी दुनिया की मैं कहूँगी. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बट डेफिनेटली जितने लोग हैं कम ही पड़ जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों की का खाना हमारे यहाँ से रोज़ बनता है. और सुबह में सहरी भी जाती है अलग से, जो मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्किट्स है, दूध है, या टैंग है, और जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ब्रेड्स है, ये हम सुबह में सहरी के लोगों को पहुँचाते हैं, स्पेशली जो रोज़गार है उनके लिए. और अभी जो मेरा लड़का है जो बाहर जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब हम सात बंगले से वो आ रहा था और वहाँ पे एक कैंप बनाया गया है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 350-400 लोग हैं, और उसमें से 150 रोज़दार है, और बाकी के ऑफकोर्स नॉन मुस्लिम्स हैं. लेकिन मुझे एक चीज़ आज मेरे लड़के ने बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ऐसा लगा कि ऐसे सिचुएशन में भी बेचारे ऐसे सोचते. आई आई रियली होप कि वो ऐसा कभी ना सोचे और ऐसा कोई ना सोचे. और जब वो खाना बांटने गया, क्योंकि वो टोपी पहना था, तो किसी ने उसे सवाल किया कि आप ये जो ला रहे हो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हो या दूसरों को भी दोगे? और शाम को जब खाना बट रहा था, पैकेट्स बट रही थी, तो किसी ने बोला कि भाई कोई अलग लाइन है क्या हिंदू मुसलमानों की? और मेरे लड़के ने बोला, दूसरी बार ऐसी बात मत करना, बिल्कुल नहीं, सबके लिए एक ही बैग बना है. तो सच कहूँ तो सुन के मुझे बहुत बुरा भी लगा कि बेचारे मतलब कैसे सिचुएशन में है और कैसी दिमागी हालत हो गई है कुछ लोगों की. शायद चीज़ें सुन सुन के और देख देख के भी लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, बट मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, और हम तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम, जैसे जोगेश्वरी है, मिल्लत नगर है, यहाँ पे तो चीज़ें जाती ही है अल्हम्दुलिल्लाह. अब हमारा कल से टारगेट है सात बंगले का भी, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ, जो लास्ट स्टेशन है. तो मैं गुजारिश करूँगी, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और उसके आसपास रहता है, प्लीज़ 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 वहाँ पे चीज़ें भेजिए. वहाँ पे ऑलमोस्ट 350-400 लोग हैं, और गर्मी का टाइम है, और वो लोग के लिए वहाँ पे एक छत जैसा बनाया गया, वो प्लास्टिक का है. तो आप सोचिए कि उनकी पूरे दिन क्या हालत होती होगी. तो प्लीज़ जो आसपास के लोग हैं, अगर जो लोग नहीं जानते, आई एम श्योर जो जानते होंगे वो भेज रहे होंगे, क्योंकि ये लड़का तो गुजरते गुजरते वो देख लिया. बट आप लोग भी प्लीज़ वहाँ पे हो सके तो भेजिए. और अब हम कल सुबह से शुरू कर रहे हैं, हम सुबह में यहाँ से चाय और बिस्किट लेके जाएंगे सबके लिए, और इंशाल्लाह फिर पैकेट्स खाने की बन के उनको मिलेगी रोज़. तो बस ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं. एंड मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए. और जो लोग अभी तक, उनके पास अगर कोई लोग नहीं है ज़कात के लिए, या कुछ और ज़कात देना चाहते हैं, इसमें मदद करना चाहते हैं, स्पेशली इंटरनेशनली जो लोग हैं जिनको ज़कात के लिए कोई वहाँ मिल नहीं रहा और यहाँ पे ज़कात भेजते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके भेजिए. मैं नंबर नीचे डालूँगी और आप वहाँ कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें जहाँ जहाँ जाते रहेगी मैं अपने स्टोरी पे डालते रहूँगी कि आपको पता हो कि आपका पैसा बहुत सही जगह पे जा रहा है. एंड आई होप सबका रमज़ान अच्छा जा रहा है, रमज़ान मुबारक सबको. एंड बस अब हम सब दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और अपने मुल्क के लिए दुआ करें जितना हो सके.
एवरीवन वेल जैसे कि हम सब जानते हैं ऑब्वियसली कि सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट हियर, बट किसी को भी एक मुस्कुराहट देना या एक स्माइल देना आई थिंक ये हमारे बस में है. तो मैं बहुत वक्त से सोच रही थी ये चीज़ करने का, बट आई थिंक कहते हैं ना हर चीज़ के लिए सही वक्त होता है, तो आई थिंक वो वक्त मेरे लिए अब आ गया है. और मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट नीचे भेजते हैं, बहुत टाइम से भेजते, जब मैं कुछ काम कर रही थी तभी भी, इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग पीपल हैड लाइक यू नो सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मी विच इज़ लाइक रियली क्रेजी एंड गुड. एंड अलहमदुल्ला अल्लाह का अलग शुक्र है कि आपके दिलों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है, बिकॉज आई थिंक हर किसी को प्यार चाहिए लाइफ में, और बाकी तो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं मेरे लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए. सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे लवली फॉलोअर्स जो मुझे शिद्दत से इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं और मैसेजेस दे रहे हैं, ऑफकोर्स नए लोग भी जो मुझे अभी अभी डिस्कवर कर रहे हैं, सो आई थिंक मैंने ये यू नो एक्चुअली मैंने ये चीज़ बहुत लंबे वक्त से सोची थी, पर अब मैं ये करने जा रही हूँ. वो है आई एम गोना स्टार्ट विद गिव अवेज, एंड आई एम गोना गिव अवे every time different things, it could be anything big, small, medium, whatever according to me. So this time I am gonna have this Nike ka backpack, and it's a good size guys, it's unisex, ladka ladki dono ke liye, as you can see neon, I love neon, neon hamesha fashion mein rehta hai. So ye main dene wali hu ek lucky विनर को. ऑब्वियसली कोई क्विज तो है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, आपको मेरा पेज फॉलो करना है और आपको मेरा फेस पा बाय सना खान वाला पेज फॉलो करना है और कमेंट्स देने हैं नीचे, एंड ऑब्वियसली वहां से ही एक लकी विनर सिलेक्ट किया जाएगा. सो गाइज प्लीज डू दैट इन केस यू वांट टू विन दिस, एंड ऑब्वियसली आपको ये चीज़ मिलेगी जब यू नो कुरियर सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले हम विनर डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे और आपसे आपका डिटेल ले लिया जाएगा, एंड इंशाल्लाह जैसे कुरियर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी पहली फुर्सत में ही आपको मिलेगा. एंड येस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, जिस किसी को भी ये मिले तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, एंड सोचा कि ऐसे वक्त में कुछ खुशियाँ डिजिटली भी बांटा जाए. सो यस लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव.